The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करूंगा सब एकदम बढ़िया होंगे। दोस्तों, मोदी सरकार दे रही है 20 लाख रुपए तक का लोन। तो दोस्तों, पूरी बात जानेंगे वीडियो के अंदर कि 20 लाख रुपए का लोन आपको किस प्रकार मिलेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखते रहे, मगर उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सब्सक्राइबर के बगल में जो बेल का आइकन है, इसको भी जरूर प्रेस कर दे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो को शुरू कर लेते। मोदी सरकार ने निभाया अपना एक और वादा। केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणा के अनुसार सरकार अब वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने जा रही है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वर्तमान ऋण सीमा को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। यह वृद्धि विशेष रूप से उभरते उद्यमियों के लिए लाभकारी है, जिससे उन्हें अपने व्यवसाय के विकास में और विस्तार में सहायता मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पहले आपको पता ही होगा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना नाम की एक सरकार ने योजना चलाई हुई है, जो कि 2015 से लगातार चली आ रही है। दोस्तों, इस कैटेगरी में आपको तीन प्रकार के लोन दिए जाते हैं, जिसमें शिशु लोन, किशोर लोन और तरुण लोन होता है। दोस्तों, शिशु लोन के तहत आपको 50,000 रुपए का लोन दिया जाता था और किशोर लोन के तहत आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। वहीं दोस्तों, अगली कैटेगरी आती है तरुण लोन। तरुण लोन में आपको 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अब ये तीनों कैटेगरी में से एक कैटेगरी और आपके लिए बढ़ा दी गई है। जी हां दोस्तों, अब है तरुण प्लस लोन के तहत आपको अब 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने इसकी घोषणा की थी, अब वित्त मंत्रालय ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें कि आपने मुद्रा लोन के तहत कभी लोन लिया है या फिर आप मुद्रा लोन के तहत यह लोन लेने की सोच रहे हो। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय भारत।